हेलो दोस्तों, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन, एज वेल एज हमने एक और शेयर चैनल बनाया जिसका नाम है ट्रेडिंग दिल से, इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जिस भी हम वीडियो डालें तो आपको वीडियो मिले और यहाँ पर अच्छी खासी नॉलेज इंट्राडे से रिलेटेड, यहाँ पर लॉन्ग टर्म से रिलेटेड, स्विंग ट्रेड सब यहाँ पर आपको मिलते हुए नजर आएंगे। तो जाइए वीडियो को देखिए, दूसरी वीडियोस को जाके देखिए, तब आपको यहाँ पर चीजें समझ में आती हुई नजर आएगी। तो देखिए सबसे पहले हम बात करने वाले निफ्टी की। निफ्टी में जैसे ही हमने ऑलरेडी यहाँ पर कोई छेड़खानी नहीं की गई है, आप जाके तो चाहे पीछे वीडियो देखो देख लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हमने जो लेवल्स आपको दे रखे है वो ही लेवल यहाँ पर इंटैक्ट बने हुए हैं, और जब तेजी होगी उन्हीं लेवल से ऊपर जाएगा, जब गिरावट होगी उन्हीं की लेवल से नीचे यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर आज क्या होता हुआ दिखाई दिया, देखिए ये लाइन हमने ऑलरेडी खींच रखी है जो रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि आज अच्छी खासी तेजी हुई, एक हैमर बना हुआ था, हैमर और गैप अप ओपन हुआ। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे जब भी गैप अप ओपन होगा, हैमर के ऊपर होगा, तो यहाँ पर तेजी होती हुई ऑफकोर्स ये बात है होती हुई दिखाई देगी। अब क्या, अब यहाँ पर देखिए जो मार्केट रुकी हुई दिखाई दी, तो कहाँ पर रुकी, देखिए इसी लाइन पे आके रुकी है मार्केट, ना ऊपर गई है ना नीचे, इसी लाइन को यहाँ पर टच करती हुई नजर आई है। तो अब क्या, अब आगे का व्यू क्या, तो अब आगे का व्यू ये है कि यहाँ पर जो आज कैंडल बनी है वो एक कैंडल बनी है मारू बोजू। ओके, इसे मारू बोजू कैंडल कहते हैं, और जब भी इस तरीके की एक कैंडल बनती है तो मार्केट में तेजी होती हुई दिखाई देती है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इसे तेजी के लिए कौन सा जो इसका खुद का लेवल है, ओके 16275 यहाँ पर 278 पे है, ये लेवल ये लाइन को इसने क्रॉस कर दिया, तो यहाँ पर याद रखिए एक तेजी होती हुई दिखाई देगी जो इसे और यहाँ पर ऊपर लेके जाएगी। और एग्जैक्ट लेवल कैसे निकालते हैं, ऑलरेडी यहाँ पर मैंने आपको एक प्लेलिस्ट बना के दे रखी है, जाके देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर अगला लेवल क्या आता हुआ दिखाई देगा और वहां पर तेजी के लिए इसे क्या चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे अगला लेवल ये वाला है, ओके, और अच्छी खासी तेजी के लिए इसे इस वाले लेवल से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये इस वाले लेवल से निकल गया तो मार्केट में यहाँ पर तेजी होती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पर देखिए दो लेवल आपको दे दिए, अगर यहाँ से लेवल निकलता है, यहाँ से ऊपर जाता है, तो इसके लिए रेजिस्टेंस अगला 16495 का है, और अगर यहाँ से गिरावट होती है, ओके, अगर यहाँ पर गिरावट होती है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ है ऑलरेडी 15874 के आसपास का, यही सपोर्ट है, और ऊपर निकल जाता है तो सपोर्ट यही बन जाएगा जो आज का हाई है इसका 16287.95 का सपोर्ट बन जाएगा, और यहाँ पर इसका ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो ये दो लेवल और निकाले इसने, ओके, और मैंने 16780 को निकाला, तो एक तेजी होगी जो इसे सीधे यहाँ पर 17366 के आसपास लेके जाएगी। तो मार्केट में ये तेजी की प्रतीक है, ओके, और जैसे कि मैं आपको बता रहा था जो बॉक्स थ्योरी है, देखिए ये बॉक्स था, इसके बाद इस बॉक्स में आया, इसके बाद ये बॉक्स आया, अब इस बॉक्स से यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर आता हुआ चीजें दिखाई देंगी। तो मार्केट में इसी तरीके से काम होता है, जो ये लाइन्स है, ओके, जो ये ट्रेंड लाइन खींच रखी है, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रखी है, जो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस खींच रखा है, इसी के बेस पे काम होता है, और आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आपको किसी से जानने की जरूरत नहीं है, इवन मेरे किसी से भी। और यहाँ पर देखिए ये प्लेलिस्ट दे रखी है, यहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको सारा का सारा आंसर मिलता हुआ नजर आएगा, तो जाके देखिए चीजें समझ में खुद आ जाएगी। तो अब क्या, तो अब सिंपल है, यहाँ पर वेट करना है, कल देखना है मार्केट में क्या होगा, आपको नजर बनानी है डो जोन्स के ऊपर कि किस तरीके से यहाँ पर डो जोन्स काम करता है वो दिखाई देता है। वहां पर भी कुछ कंपनीज है, जैसे कि यहाँ पर बात करें सिटी बैंक एज वेल एज गोल्डमैन सैच्स, ओके, उनके भी रिजल्ट अच्छे खासे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहां पर भी तेजी होती है। यहाँ पर भी देखिए इसने अपने रेजिस्टेंस को तोड़ा है, तो शायद यहाँ पर और तेजी होगी जो इसे 31 यहाँ पर बात करें 31500 के आसपास और 31620 को क्रॉस किया, तो और तेजी यहाँ पर भी नजर आती है। तो डोजोन्स में भी इसी तरीके से काम होता हुआ नजर आएगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पर स्मॉल कैप, ऑब्वियस सी बात है जब हम यहाँ पर सारी मार्केट भाग रही है तो हमारी स्मॉल कैप भी भागेगा। स्मॉल कैप में देख सकते हैं यहाँ पर एक यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई कह सकते हैं, या फिर कह दीजिए आप यहाँ पर हैमर बना, हैमर को इसने क्रॉस करके आज अच्छी खासी तेजी यहाँ पर भी हुई, पर जब यहाँ तेजी हुई बट इसके लिए रेजिस्टेंस सामने अटका हुआ है, इसका रेजिस्टेंस 8935, 8935 को यहाँ पर क्रॉस करना जरूरी है, 8935 को इसने क्रॉस किया तो याद रखिए तेजी होती हुई दिखाई देगी जो इसे, ओके, ये जितने भी लेवल्स दे रखे हैं इंटरडे बेसिस पे 9041, ओके, 9157, और यहाँ पर बात करें तो 9300 तक के लेवल यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर सपोर्ट की बात करें 8750 का बेहतरीन सपोर्ट अब नजर आएगा।
इसके अलावा निफ्टी मिड कैप की बात कर लेते हैं। निफ्टी मिड कैप में भी आप देख सकते हैं अच्छी खासी तेजी। यहाँ पर भी देखिए, मैंने लास्ट टाइम जब वीडियो बनाई थी, ओके, तो यहाँ पर तो नहीं बनाई थी मैंने, यहाँ इस वाली कैंडल पे बनाई थी। अब फ्राइडे को मैं वीडियो नहीं बना पाया था, संडे को नहीं बना पाया था। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये जो कैंडल थी मैंने आपको बता दिया था, इसके ऊपर गया तो तेजी होती हुई दिखाई देगी। और ये जो कैंडल है, ओके, ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस, इसे निकालना बहुत जरूरी है, इसे निकालना तो तेजी। तो आप देखिए ये वाली लाइन और एज वेल एज ये वाला लेवल 28,743, ये तो लेवल है, ओके, इन्हें यहाँ पर इसने निकाला, इसने यहाँ पर क्रॉस कर दिया, इसके लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो याद रखिए तेजी होती हुई दिखाई देगी जो यहाँ पर इसे मिड कैप को और ऊपर ले जाएगी, जो कि 29,700, ओके, 30,323, और यहाँ पर हाई ऑल टाइम हाई तक भी शायद चीजों को लेके जा सकती है। ये थोड़ा बहुत टाइम में हो सकता है, कंसोलिडेशन हो सकता है, बट ऊपर जाना तय है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कौन इंडेक्स की, तो यहाँ पर निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं। निफ्टी बैंक में ऑलरेडी गिरावट हो गई थी, तो मैंने आपको बता ही दिया था, ओके, कि यहाँ पर यहाँ पर सपोर्ट नजर आता है, यहाँ से चीजें आके रुकेगी। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखिए चीजें नीचे आई, इधर ही आके रुकी रुकती ही नजर आई। अब एक कैंडल बनी है मारुबोजी, जो कि तेजी का प्रतीक है। अब असली तेजी के लिए, जो मुझे लगता है कि इस बार होती हुई नजर आएगी, ओके, क्यों? क्योंकि रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। तो 35,551, 35,551 का अगर इसने हाई निकाल दिया, तो याद रखिए इसकी जो तेजी है वो बढ़ती हुई नजर आएगी, जो इससे 35,973, और ये भी निकाल दिया तो अच्छी खासी तेजी, यहाँ पर 37,000, ओके, ये 37,500, धीरे धीरे करके यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं आईटी की, निफ्टी आईटी, यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी आईटी में भी देखिए तेजी होती हुई नजर आई। एक दो कंपनी के रिजल्ट बेकार आने से पूरी आईटी इंडस्ट्री में हिलावट होती हुई दिखाई दी थी, हिलती हुई नजर आई थी, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। दूसरी कंपनी के रिजल्ट देखिए, माइंड ट्री के देखिए, ओके, एलटीआई में दबाव था, एलटीटीएस के रिजल्ट देखिए, टाटा एलेक्सी के रिजल्ट देखिए, ओके, लोग टाटा एलेक्सी के बारे में पता ही नहीं क्या क्या बोल रहे थे, बट नॉट नॉट एन इशू, ओके। यहाँ पर प्री जजमेंट नहीं करना चाहिए, प्री जजमेंट इस तरीके से हमें गलत प्रूव हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें मारुबोजू बनी है और रेजिस्टेंस पे आके खड़ा हुआ है, इस रेजिस्टेंस को इसने निकाला, तो याद रखिए अगली तेजी 28,361 तक जाता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पर देखिए नीचे हैमर बन रहा है, जब भी मैं बताता हूँ नीचे हैमर बनता है तो अच्छी खासी तेजी है, ऑब्वियस सी बात है होती हुई नजर आती है। कितनी होगी वो बताना मुश्किल है, बट तेजी होती हुई दिखाई देती है। निफ्टी ऑटो की बात करें, निफ्टी ऑटो देख सकते हैं, निफ्टी ऑटो ने आप यहाँ पर ऑल टाइम हाई लगाते हुए दिखाई दिया है, ऑल टाइम हाई है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ पर आप देखिए ऑल टाइम हाई लगा के अपना खड़ा हुआ है। अब इसे यहाँ पर तेजी करने के लिए 12,455 का लेवल यहाँ पर इसने निकालना है, 12,455 का लेवल निकाला तो यहाँ पर और तेजी होती हुई दिख नजर आएगी। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं निफ्टी मेटल, निफ्टी मेटल भी आप यहां पर देख सकते हैं, निफ्टी मेटल में भी एक अच्छी खासी तेजी है, 4,951 ये लेवल इसने निकाला, ओके, डबल टॉप का ब्रेकआउट होगा जो इसे इसके लिए यहाँ पर 5,042 इस ये लेवल तक लेके जाएगा। तो ये लेवल को भी इसे क्रॉस करना बहुत जरूरी है, इस लेवल को क्रॉस किया तो और तेजी ऊपर की तरफ होती हुई नजर आ सकती है। तो आपको अच्छे स्टॉक्स पे ही दाव लगाना है। निफ्टी मेटल के लास्ट टाइम में भी वीडियो बनाया था, खरीद सकते हैं, ओके, बट अभी इतनी तेजी निफ्टी मेटल में मुझे नहीं लगती इतनी जल्दी आएगी, बट यहाँ पर खरीद के चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के व्यू से। निफ्टी एफएमसीजी की बात करें तो निफ्टी एफएमसीजी जो हमने यहाँ पर लाइन खींच रखी थी, हमने आपको यहाँ से ही बताते आ रहे हैं कि तेजी होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर टारगेट की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो हमने टारगेट डिसाइड करे थे वही टारगेट यहाँ पर छपते हुए नजर आ रहे हैं, टारगेट अचीव हो गए निफ्टी एफएमसीजी के, ओके, आज के दिन में। तो यहाँ पर इसने यहाँ पर देखिए ऊपर जाके चीजें नीचे आती हुई दिखाई दी, रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, क्रॉस करके नीचे आई। अब क्या, अब नेक्स्ट ये है कि ये कैंडल बन रही है कौन सी, यहाँ पर डोजी बन रही है, डोजी का हाई निकाला तो तेजी, डोजी का हाई नहीं निकाला तो यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ सकता है। तो रेजिस्टेंस सेम बना हुआ है, ओके, यहाँ पर अगर बात करें 41,850 के आसपास का, जो इसका हाई 41,900 लगाया है, या फिर यहाँ पर हम बात करें ये वाले कैंडल का हाई ले लेते हैं, ओके, इसे निकालना बहुत जरूरी है, 42,021, 42,021 को निकाला तो और तेजी होती हुई नजर आएगी। अदरवाइज नीचे के लिए यहाँ पर सपोर्ट की बात करूँ, 41,58 का यहाँ पर सपोर्ट नजर आता है। तो यहाँ पर इस तरीके से इन पर्टिकुलर कंपनी के शेयर को देखना जरूरी है, ओके, अब इनमें तेजी हो रही है तो अब आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के पर्पज से या उन कंपनीज पर दाव लगा सकते हैं जहाँ पर जिनकी निफ्ट इंडेक्सेस नीचे चल रहे हैं, उस जब वो ऊपर भागना शुरू करेंगे वो शेयर भागना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर काम कर सके चल सकते हैं। निफ्टी फार्मा,
निफ्टी फार्मा आपके ऊपर है, मैं आपको बता ही चुका हूँ कि यहाँ पर ये एक लेवल है, इसे निकाल दिया 12,855, तो ये लेवल्स नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे करके यहाँ पर निफ्टी फार्मा भी ऊपर जाती हुई नजर आएगी, क्योंकि निफ्टी फार्मा में जो गिरावट थी वो होगी, और निफ्टी फार्मा यहाँ पर अब केवल कंसोलिडेशन या फिर यहाँ पर बॉटम तो यहाँ पर इन्होंने बना लिया है, इस चीज को भी याद रखिए। अब बात करते हैं निफ्टी रियलिटी की, क्योंकि रियलिटी सेक्टर भी अच्छा कर रहा है, रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने रेजिस्टेंस था वो यहाँ पर क्रॉस कर लिया, ओके, एक हैमर भी बनता हुआ नजर आ रहा है, ये हैमर का इसने हाई तोड़ा, तो ओके यहाँ पर तो याद रखिए तेजी होती नजर आती है मुझे यहाँ पर 452, और यहाँ पर बात करें 478 480 तक यहाँ पर तेजी होती हुई नजर आई, और ये लेवल निकाला तो अच्छी खासी तेजी होती हुई नजर आ सकती है। तो ये पर्टिकुलर कुछ इंडेक्सेस है, एनर्जी से रिलेटेड भी बात कर लेते हैं कि निफ्टी एनर्जी कहाँ चल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी एनर्जी, निफ्टी एनर्जी बिल्कुल यहाँ पर सपोर्ट पे सॉरी रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है यहाँ पर इसे तेजी के लिए। यहाँ पर इस पर्टिकुलर कैंडल का जो आज का हाई है 25,354, इसे निकालना बहुत जरूरी है, जो कि डोजी भी बनती हुई नजर आई है, और उसके बाद ये 26,298 की जर्नी तय करेगा। बट यहाँ पर अगर देखेंगे बहुत कुछ स्टॉक्स चल रहे हैं, कुछ स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं, तो वो सब चीज आपको यहाँ पर देखनी है। बट काफी सारे बेहतरीन स्टॉक्स यहाँ पर नीचे आ गए, तो उसके बारे में आप यहाँ पर सोच सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर कुछ इंडेक्सेस थे जिससे रिलेटेड मेरे को आपको व्यू देना था। ओके, यहाँ पर आपको निफ्टी के बारे में बताना था कि यहाँ पर तेजी होती दिखाई दे रही है धीरे धीरे। ओके, यहाँ पर चीजें जाके ऊपर जाके फिर नीचे आएगी, और जिस तरीके से यहाँ पर पहले हायर लोज बनते हुए नजर आ रहे थे, अब हायर हाईज बनते हुए नजर आएंगे। ओके, यहाँ पर हायर टॉप हायर बॉटम बन के चीजें ऊपर जाती हुई नजर आएगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दूसरे चैनल ट्रेडिंग दिलसे को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे, और वीडियो को देखिए और यहाँ पर सीखिए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।